इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान मुकद्दस स्थान नंबर एक पवित्र काबा मक्का सऊदी अरब। मुकद्दस काबा सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी मक्का में स्थित है। मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है। यहां प्रत्येक वर्ष मुहर्रम माह में लगभग 20 से 25 लाख हज यात्री आते हैं। यहां काबा के अलावा मस्जिद अल हरम भी स्थित है। मक्का में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत इब्राहिम ने मक्का में काबा को सबसे पहले पवित्र जगह बनाया था। मुकद्दस स्थान नंबर दो पैगंबर मस्जिद मदीना सऊदी अरब। इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल में से दूसरा मदीना है। मदीना का पूरा नाम मदीना रसूल अल्लाह है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के दूत की नगरी। इसका छोटा रूप अल मदीना है, जिसका अर्थ है नगर। यह पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। इस नगर को पहले यथरीब कहा जाता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना शहर को अपना ठिकाना बनाया था। मक्का से निकलकर पैगंबर साहब मदीना के लिए निकल पड़े। उनकी इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है। यहीं पर पैगंबर ने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा और यहीं पर उनकी वफात हुई। कहते हैं कि 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद ने मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया था। पवित्र नगरी मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की अल नबी के नाम से प्रसिद्ध मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण पैगंबर के घर के पास ही किया गया था, जहां उनको दफनाया गया था। इस्लाम धर्म की प्रथम मस्जिद यहीं पर स्थित है, जो मस्जिद अल कुबा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुकद्दस स्थान नंबर तीन अल अक्सा मस्जिद यरूशलम इसराइल। इसराइल की राजधानी यरूशलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को अल हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। मुसलमान इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहीं से हजरत मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे और अल्लाह का आदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे थे। यहीं से पैगम्बर साहब मेराज के लिए गए थे। मुकद्दस स्थान नंबर चार करबला बगदाद इराक। करबला वह स्थान है जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। यहां उनकी जंग यजीदी फौज से हुई थी। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है। पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के 40 वर्षों बाद सन 50 हिजरी कमरी 28 सफर को इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मुकद्दस स्थान नंबर पाँच चेरामन पेरुमल मस्जिद केरल भारत। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित चेरामन पेरुमल मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भारत की प्राचीनतम मस्जिद है। यह मस्जिद केरल के कोंडुंगलूर क्षेत्र में स्थित है। मुकद्दस स्थान नंबर छह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर भारत। भारतीय राज्य राजस्थान में अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दुनिया भर के सूफियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। यहाँ लोग जियारत के लिए आते हैं। ख्वाजा साहब का स्वर्गवास 1230 ईस्वी में हुआ था। 1141 ईस्वी में आपका जन्म सजिस्तान ईरान में हुआ था। तो यह थी इस्लाम धर्म के पवित्र मुकद्दसों के बारे में जानकारी। दिव्य दर्शन में अगली बार हम मिलेंगे अन्य पवित्र स्थलों की जानकारी के साथ।